हेलो फ्रेंड्स, वेविंग बटरफ्लाइज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ मेरा अपना DIY बॉडी स्क्रब शेयर करूँगी। तो देखिए, मैंने बॉडी स्क्रब के लिए लिया है ये कड़वे नीम का क्रश किया हुआ पाउडर। साथ में मैं लूँगी दरदरा राइस फ्लोर। ये चावल का आटा ज़रा सा दरदरा पीसा है मैंने स्क्रब के हिसाब से, बॉडी स्क्रब के हिसाब से। कोई महीन भी पीस सकता है अगर स्किन सेंसिटिव हो तो। साथ में मैंने लिया है ये 2 रुपए वाला पैकेट नेस्कैफे का, ये पूरा मैंने इसमें ऐड किया है। और मैं इसमें ऐड करूँगी नारियल का तेल, कोई घी भी ऐड कर सकता है, गाय का घी या एलोवेरा जेल या कोई बादाम ऑयल, इस तरह से भी कोई ऐड कर सकता है। मैंने इसमें ऐड किया है नारियल का तेल। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी सोप या बॉडी वॉश। मैं इस दोनों ऐड करके दिखाऊंगी आपको। ये मेरा जेल बेस सोप है, ये विंटर के लिए बहुत अच्छा होता है जेल बेस सोप, पर अभी समर आने वाला है तो मैं इसको ज़रा सा ही क्रश करके लूँगी। ये मेरा इस तरह से कद्दूकस हो रहा है, मैं ज़रा सा और कद्दूकस करके इसमें लूँगी। अगर आपकी स्किन ऑयली हो तो आप ध्यान से उतना ही ऑयल ऐड कीजिए जितना आपको ज़रूरत हो स्किन के हिसाब से, या ड्राई है तो आप एलोवेरा जेल भी अगर लेना चाहो तो उसी तरह से लेना। और ध्यान रहे, जो भी हम स्क्रब में चीज़ें ऐड करते हैं दरदरी चीज़ें, वो पॉइंटेड ना हो, स्किन को हार्श इफ़ेक्ट दे इस तरह की ना हो, इतना ध्यान देना। अब मैंने इसमें इतना सोप ऐड कर लिया। अभी ये सब मेरा पाउडर ही सा है तो अभी मैं इसमें बॉडी वॉश ऐड करती हूँ। ये मेरा एलोवेरा बेस ही बॉडी वॉश है तो मैं इसको ऐड कर लूँगी, मेरे को जितना चाहिए उस हिसाब से। आप चाहो तो इसमें मॉइस्चराइज़र, एलोवेरा जेल, हनी, इस तरह के मिल्की प्रोडक्ट या जेल बेस प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो, मगर आपको वो फ्रीज में ही स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो वो आप सोच समझ के इस तरह का स्क्रब बनाइएगा। ये मेरा पाउडर बेस स्क्रब है, ये आपको महीनों महीने सालों साल अगर इसको एयर पैक रखते हैं हम तो भी चल जाएगा। सिर्फ बॉडी वॉश जो है वो बाहर से लाया हुआ है, उसकी एक्सपायरी डेट ध्यान में रखते हुए। तो ये पाउडर बेस स्क्रब मैंने आपको दिखाया मेरा अपना, ये जब मुझे ज़रूरत पड़े तभी मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। आपको मेरा DIY बॉडी स्क्रब कैसा लगा बताना यूज़ करके।